जो रेसिपी है ना होली के दिन बिहार में सभी के घरों में आपको देखने को मिलेगा। फैमिली कैसे हो आप सभी, होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि होली के लिए जो स्नैक्स मैं बनाई थी ना, उस वीडियो को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और एक ही वीडियो नहीं गाइज, होली पे और भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी बाहर जाने के लिए। एक्चुअली मेरा जो नया घर है वहाँ पे मैं जाने वाली हूँ, मेरी डिजाइनर भी वहाँ आएगी जो मेरी होम का डिजाइन कर रही है। एक्चुअली मास्किंग का काम है, मुझे भी नहीं पता मास्किंग में होता क्या, वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या करना होता है। वो बोली है कि 2 से 3 घंटा आराम से लग जाएगा मास्किंग में, तो मैं हो गई हूँ रेडी। टाइम हो रहा है 12:30 बजे निकलेंगे। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी बैंगन का भरता, बहुत दिनों के बाद गाइज, मुझे लगता है कि 2 से 3 साल के बाद मैं ये बैंगन का भरता बनाई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को टमाटर नहीं खाना, और बिना टमाटर का बैंगन का भरता कैसा लगेगा आप लोग भी सोच सकते हो। तो जब तक मैं अपने नए घर पहुंचती हूँ तब तक आप लोग मेरा ये रेसिपी इंजॉय कीजिए, बहुत ही यम्मी बना था। आप लोग भी इस प्रोसेस से बनाइएगा और इस रेसिपी को इंजॉय कीजिएगा। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैं सभी चीज़ों को एक प्लेट पर निकाल ली हूँ कि कितना कितना क्या जाएगा। तो एक बैंगन ली हूँ, अच्छे से धोने के बाद बीच में से ऐसे मैं चीरा लगा के देख रही हूँ कि बीच में कभी कभी बैंगन में कीड़े निकल जाते हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। और इसके बीच में हम डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च। तो बड़े साइज का लहसुन था तो मैं 4 ली हूँ, अगर छोटे साइज का हो तो आप 7 से 8 ले लीजिएगा। हाँ, 2 हरी मिर्च। अच्छे से इसकी ऑयलिंग कर देंगे। ऑयलिंग करने से क्या होता है ना कि जब आप इसे छीलेंगे ना, जब ये पक जाएगा और जब इसका छिलका उतारेंगे तो बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। और इसे अच्छे से अलट पलट के आगे पीछे दाएं बाएं अच्छे से इसे सेक लेना है, 4 से 5 मिनट लग जाता है इसे सेकने में। तो गाइस कोशिश कीजिएगा ना कि जो बैंगन लीजिएगा कम बीज का हो, या फिर बिना बीज वाला मिल जाए तो और भी अच्छा है, इससे काफ़ी मतलब ज़्यादा टेस्टी आपका भरता बन के रेडी होगा। और ठंडा होने के बाद ही इसका छिलका बाहर निकालिएगा, गर्म गर्म में छिलका निकालेंगे तो हाथ भी जलेगा और छिलका भी अच्छे से बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ, कई बार कीड़े अंदर रह जाते हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा बैंगन पकने के बाद भी। और सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है, मिर्च और लहसुन को भी मैश करेंगे। यहाँ पे मैं कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल ले ली हूँ, डालेंगे थोड़ा सा जीरा हींग, और उसके बाद मैं यहाँ डाली हूँ 2 मीडियम साइज का प्याज, और इसे हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का, जैसे ये देख रहे हैं हल्का सा ब्राउन लग रहा है, बस इतना ही भूनना है। डालेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। गाइस सबकी क्वांटिटी 1/4 टीस्पून है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना भरता काफ़ी मसाला मसाला बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इसमें फ्रोजन मटर भी डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कई लोग तो इसमें अंडा भी फोड़ के डालते हैं। इसके बाद मसाला पकने के बाद इसमें डाल देना है ये बैंगन, बैंगन टमाटर का जो पेस्ट है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे, 2 मिनट तक बस पकाना होता है। गाइस बिहार में ना बैंगन का चोखा बनता है और उसमें बिल्कुल ही मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और बहुत यम्मी बनता है, उसकी भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। लास्ट में इसमें मैं डाली थी थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक, और मिलाएंगे अच्छे से। लास्ट में धनिया पत्ता डालते हुए गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ। तो मतलब बहुत ही आसान है भरता बनाना गाइस, एक बार बैंगन पक जाना तो 2-4 मिनट में काम बन जाता है। साइड से मैं रोटी भी पका ली हूँ। तो आज के ब्रेकफास्ट में तो बैंगन का भरता और रोटी ही मैं बनाई थी। एक्चुअली हम लोग को आज बाहर भी निकलना था तो मैं फटाफट से अपनी कुकिंग कर ली थी, उसके बाद हम निकल गए थे अपने नए घर में। एक्चुअली आज नए घर पे मास्किंग का काम था, मुझे भी नहीं पता था कि ये होता क्या है, पर वहाँ जाके पता चला कि बेसिकली होता ये है कि वो लोग टेप के थ्रू सब कुछ मेजरमेंट करके दिखाते हैं कि आपका कबर्ड कितना बड़ा बनेगा, कितना स्पेस जाएगा, बनने के बाद कितना रूम में जगह बचेगा, ओवरऑल एक आइडिया दे देते हैं।
यम्मी। मसाला डोसा आपके लिए कैसा है? अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा ये ड्राई लग रहा है। अच्छा देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अच्छा तो है। यहाँ पे रात में ही मैं उड़द दाल को भिगो के रख दे रही हूँ, क्योंकि एक और रेसिपी शेयर करूंगी गाइज, होली स्पेशल। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे। मैं सारा काम फिनिश करने के बाद फिर से किचन में आ गई हूँ। मेरा मैक्सिमम टाइम तो किचन में ही जाता है। तो अभी मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। ये जो रेसिपी है ना, होली के दिन बिहार में सभी के घरों में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। और ये जो रेसिपी है गाइज, इसको बिहार में पता है लोग क्या कहते हैं? फुलौरी। फुलौरी के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसे दही बड़ा कहा जाता है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी नहीं सुनेंगे कि इसे लोग दही बड़ा कह रहे हैं। मतलब जहां से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहां पे लोग इसे फुलौरी कहते हैं। मैं बचपन से ही सुनते आई हूँ कि फुलौरी बन रहा है, फुलौरी बन रहा है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही फुलौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रात में ही मैं उड़द दाल को भिगो के रख दी थी और ये अच्छे से ये फूल चुका है। और इसे मैं अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो भी ली हूँ। मतलब इसमें जो व्हाइट व्हाइट डस्ट आता है ना, वो नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर पानी हो जाना चाहिए। देखिए अब हम इसे पीसेंगे। मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ गाइस, क्योंकि 3-4 दिन के बाद होली है, तो उस दिन भी मुझे बनाना ही है। तो आज मैं बस आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ। वैसे ये मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत पसंद है, तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो 3-4 दिन पे से खा सकते हैं। और इसे हम पीसेंगे ना, तो बिल्कुल भी इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना पानी डाले ही इसे पीसना है। एक बार में तो ये पीसेगा नहीं, आपको बीच बीच में चम्मच से हिला हिला के इसे ग्राइंड करना है, तभी ये ग्राइंड होगा, क्योंकि हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि उड़द दाल, खड़ा उड़द दाल इसमें नहीं दिखना चाहिए। और इसे पीसने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फेटेंगे। वैसे तो फेटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्राइंडर से ग्राइंड करने का यही फ़ायदा है कि इसे फेटने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर ही मैं इसे फेट ले रही हूँ। अगर आप सिलबट्टे पर पीसते हैं ना, फिर तो 15 से 20 मिनट तक इसे फेटना होगा। और तो सबसे अच्छा क्या है ना, कि आप इसे चेक कर लें कि ये आपका बैटर परफेक्ट है कि नहीं है। जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे, ये देखिए कैसे ये तैरने लगा, मतलब कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब जल्दी से मसाला रेडी कर लेते हैं दही बड़ा के लिए। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे जीरा ले ली हूँ, ड्राई रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पे। और जब ये रोस्ट हो जाए, तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और इसे हल्का सा रोस्ट करते हुए बाहर निकाल लेंगे। मैं हमेशा फ्रेश ही मसाला बनाती हूँ गाइस, जिससे बहुत ही अच्छा फ्रेश स्मेल आता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं स्टोर करके नहीं रखती हूँ दही बड़ा के मसाले को। तो इसमें मैं नमक नहीं मिलाई थी बैटर में, तो नमक मिलाने के बाद अच्छे से मैं इसे मिला ली हूँ। और कढ़ाई में मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही दही बड़ा फ्राई किया जाता है। वैसे आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे यहाँ सरसों के तेल में ही बनता है, इसलिए मैं भी सरसों के तेल में शुरू से बनाती हूँ। होली में जब हम गांव जाते थे ना गाइस, तो अपना ग्राइंडर साथ में लेके जाते थे, क्योंकि सिलबट्टे से कौन पीसेगा, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ का दही बड़ा तो हमेशा सॉफ्ट बनता था, लेकिन जो भी हमारे घर के आसपास के लोग थे, उन लोग के पास ग्राइंडर नहीं था, वो लोग सिलबट्टे पे ही पीसते थे, तो उनका दही बड़ा हार्ड बन जाता था। मे बी वो लोग नहीं फेंटते होंगे, वो लोग को आइडिया नहीं होगा, पता नहीं। और जब शाम में आते थे हमारे यहाँ, शाम में तो बहुत भीड़ लगती है हमारे यहाँ होली में, तो जब आते थे दही बड़ा खाते थे, तो बोलते थे वाह कैसे आप लोग का दही बड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो गाइस यही रीज़न है, फेंटना पड़ता है ये बैटर को। यहाँ पे मैं 500 ग्राम दही ले ली थी, उसमें पानी मिला के अच्छे से फेटेंगे, एकदम चिकना कर लीजिएगा फेंट के। और इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक और पीसा हुआ ये मसाला, जीरा और लाल मिर्च वाला, और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। टेस्ट कर लीजिएगा प्रॉपर, इसमें नमक और मसाला अच्छे से होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इसमें आप डालेंगे दही बड़ा ना, तो वैसे भी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैं कांटे वाली चम्मच से दही बड़ा के अंदर छेद कर रही हूँ। पहले तो स्पेशली हुआ करता था, एक जैसे स्वेटर बुनने के लिए लंबा लंबा होता है ना, वैसा ही कुछ देखी थी मैं अपने घर। बहुत पहले की मैं बात करूँ, जब मेरी दादी, मतलब दादी के समय की बात कर रही हूँ, वो लोग उसी से दही बड़ा के अंदर होल करती थी। जब वो निकलता था, तो पता चल जाता था कि आज घर में दही बड़ा बनने वाला है। तो दही बड़ा जब फ्राई हो जाएगा ना, तो इसे हम डायरेक्ट डालेंगे पानी में। इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, पानी में अच्छे से बाहर निकल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे खाना है ये बड़ा, तो आप इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। ये मैं उनको दे देती हूँ, वो सीरीज पार किए जा रहे हैं। ये लीजिए सूखी वाली दही बड़ा।
अमित यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दिस प्लेस नीड्स इट। वड़ा को बहुत देर तक पानी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस, 5 मिनट काफ़ी है, इसे ज़्यादा मत रखिएगा। और इसे निचोड़ निचोड़ के हम दही में डाल देंगे, और जब दही में वड़ा मिला दीजिएगा ना, तो इसे आप फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। ठंडा ठंडा सर्व करने में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसे सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि इसे बिहार साइड में सर्व कैसे किया जाता है। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। तो प्लेट में निकाल लेंगे अपना ये फुलौड़ा, ऊपर से डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, ये मसाला, बस ये खाने के लिए रेडी है। है ना, बिल्कुल आसान। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। होप कि आपको मेरी वीडियो और मेरा ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो गाइज़, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया हूँ तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।